हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बीटीएससी छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है तो आप लोग यहाँ पे से थंबनेल से देख ही लिए होंगे कि बीटीएससी छात्र के लिए बहुत यहाँ पे बैड न्यूज़ होने वाला है और बीटीएससी जेई रिजल्ट ज्वाइनिंग इस सब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उन सब पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आज ही यहाँ पे अपडेट आया था कि यहाँ पे 15 तक यहाँ पे रिजल्ट आने की संभावनाएँ हैं, लेकिन ये संभावनाएँ हैं लेकिन एक कन्फर्म नहीं है कि 15 तक आ ही जाएगा। लेकिन 15 तक आ भी गया रिजल्ट, फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे झटका लगने वाला है बीटीएससी कैंडिडेट को। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या बीटीएससी जेई बहाली इस साल होना असंभव दिख रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी समाधान है। यदि रिजल्ट उससे पहले आ जाए तो इसका भी समाधान है, लेकिन यदि रिजल्ट फंसता है तो फिर काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बिहार में जो भी अब लॉकडाउन भी यहाँ पे लगभग समाप्त हो चुका है और कुछ कंडीशन के साथ अभी भी लॉकडाउन यहाँ पे है, लेकिन अब जो इलेक्शन का मूड धीरे धीरे बिहार में चढ़ता जा रहा है और ऐसे में बहुत संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ पे हम लोग न्यूज़ के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कब तक यहाँ पे बिहार में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसका भी अधिसूचना जैसे ही जारी होगा, इलेक्शन डेट जैसे ही यहाँ पे डिक्लेयर होंगे फिर उसी दिन से आपका आचार संहिता यहाँ पे लागू हो जाएगा। ऐसे में क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ इफेक्ट होने वाला है उन सब पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका समाधान भी अभी है, फिलहाल अभी तो इसका समाधान है। यदि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कुछ इसका समाधान है और बीटीएससी जेई बहाली इस साल होना असंभव पूरी तरह दिख रहा है, 90% 10% ही चांसेज है कि आपका इस साल यहाँ पे हो पाए ज्वाइनिंग तक, पूरा प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे रिजल्ट आने के भी बाद भी टोटल जो 8 डिपार्टमेंट है सभी अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बहाली करती है, तो काफ़ी सारे कई यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है लगभग 1 मंथ 2 मंथ इस तरीके से, कोई तो यहाँ पे विद इन 15 डेज इस तरीके से बहाली करा लेती है यानी कि ज्वाइनिंग दे देती है, लेकिन कईयों का यहाँ पे महीनों और 2 महीनों प्लस यहाँ पे लग जाते हैं बहाली ज्वाइनिंग देते समय। तो कई सारे यहाँ पे दिखते हैं और आपको आपको फेस करना होगा यदि आप यहाँ पे बीटीएससी जेई कैंडिडेट है। तो प्रथम तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2021 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में उसका यहाँ पे अपडेट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 75 जिलों में जो है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, जैसे ही 26 मार्च को इसका जो है कि अधिसूचना इलेक्शन जो पंचायत चुनाव की यहाँ पे आचार संहिता लागू हुई, जैसे ही यहाँ पे अधिसूचना जारी हुई यानी कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन डेट का जारी किया गया तो कब यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो ऐसे में उसी दिन से और जब तक यहाँ पे इलेक्शन चलते हैं, इलेक्शन का जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक यहाँ पे आचार संहिता लगे रहते हैं। आखिर इस दौरान क्या क्या हो पाएगा क्या नहीं होगा उन सभी के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की अपडेट है, बिहार में यहाँ पे एक दो दिन पहले का जागरण के यहाँ पे अपडेट है, अगस्त से अक्टूबर माह तक, अक्टूबर नहीं यहाँ पे नवंबर तक मान के चलिए, नवंबर तक यहाँ पे खींच लेगा। यदि अगस्त से शुरू हो गया तो फिर आपका जुलाई में ही आपका यानी कि इलेक्शन डेट घोषित करने की बात हो रही है, और यदि जुलाई में घोषित हो जाती है तो फिर आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर क्या क्या हो पाएगा इस दौरान बहुत सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त से ही यहाँ पे बात हो रही है और अक्टूबर क्या नवंबर तक यहाँ पे चला जाएगा, चूँकि कोरोना के कारण जो काफ़ी जो डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत चुनाव, और सबसे बड़ी बात कि ईवीएम से होने वाले हैं। तो एक और हम यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं, ये पटना का है, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है और संभावनाएँ हैं कि जुलाई के मध्य तक चुनाव आयोग सूबे में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे चुनाव आयोग यहाँ पे तारीखों का ऐलान करता है यानी कि 15 तक यहाँ पे बात की गई है, जुलाई मिड तक यानी कि 15 जुलाई तक, यदि 15 जुलाई को हो गया तो फिर मानिए कि आपका जो रिजल्ट है वो तो आ जाएगा लेकिन ज्वाइनिंग पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। बहुत सारे हम लोग यहाँ पर ये देख लिए ये न्यूज़, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग, रिजल्ट देखिए रिजल्ट आ सकता है यानी कि आचार संहिता में भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल पाएगा,
रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने का क्या फ़ायदा जो आपका ज्वाइनिंग ही न मिल पाए। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट है। और रही बात कि यहाँ पे क्या यहाँ पे यदि 10 जुलाई तक यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है BTSC की ओर से, तो हो सकता है विद इन अ वीक यहाँ पे डिपार्टमेंट से आप लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, डिपार्टमेंट को प्रेशर बनाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन यदि इसी बीच यदि आचार संहिता लागू हो जाती है तो फिर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आ जाएगा लेकिन आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। और इस दौरान जो भी पिछली बार के देखे तो वहाँ पे काउंसलिंग होना था, काउंसलिंग भी होगा, काउंसलिंग का रिजल्ट भी आएगा, यानी कि काउंसलिंग जो आपका BTSC के हो गया उसका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन आपका ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि नियुक्ति आपको प्रदान नहीं की जाएगी। तो आपके लिए बहुत यहाँ पे बड़ी अपडेट है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द से जल्द यदि BTSC डिपार्टमेंट यहाँ पे रिजल्ट जारी कर देती है तो फिर यहाँ पे अच्छी होगा, अच्छी न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट के लिए होगा, अन्यथा वैकेंसी पेंडिंग होगा। और मैं किस इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस साल बहाली होना असंभव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नवम्बर तक इलेक्शन चला जाएगा। नवम्बर नहीं तो कम से कम लास्ट यहाँ पर अक्टूबर पूरा यहाँ पे इसी में रह जाएगा। हो सकता है तो 8, 10 या 15 नवंबर तक यहाँ पे खींच ले। तो ऐसे में जो है कि उधर मात्र 1 मंथ यहाँ पे दिसंबर बचेगा, तो उसमें कम ही चांस है कि आपका ज्वाइनिंग हो पाए। हो सकता है तो फिर आगे 2022 भी आ जाए। तो बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट है। तो ऐसे में जितना जल्द हो सके BTSC रिजल्ट यदि जारी करती है तो फिर इसी बीच विद इन ए वीक यहाँ पे ज्वाइनिंग का यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा वहाँ से आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, अन्यथा ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे और भी फंसने वाली है इलेक्शन में। तो यही अपडेट था, और भी अपडेट निकल के आता है। और जैसे ही इलेक्शन का मूड यहाँ पे पूरा जो है कि बन चुका है, और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं स्कूल कॉलेज को भी आज 50% के साथ यहाँ पे +2 स्कूल को यहाँ पे खोल दिया गया है। आज ही यहाँ पे मिस्टर यहाँ पे जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी यहाँ पे जारी कर दिए हैं, तो इसी के साथ यहाँ भी खुल जाएगा। तो ऐसे में जो इलेक्शन का भी मूड वहाँ पे चढ़ गया है, और इलेक्शन का भी अधिसूचना इसी में मिड जुलाई में ही यहाँ पे आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और उससे पहले जितना जल्द हो सके यदि रिजल्ट आया तो आया, नहीं तो ये फंसने वाला है वैकेंसी, तो काफ़ी दिनों तक इलेक्शन में पड़ा रहेगा। और सारे यहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ है इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो भी नई वैकेंसी जो LRC की बात हो रही है ये सारे वैकेंसी फंस जाएगी। यदि इस रिजल्ट को आ जाता तो इसमें LRC को और भी यहाँ पे जो PRD पंचायती राज डिपार्टमेंट है बहुत सारे वैकेंसियाँ जो आने वाली थी ये सारे जो है कि यहाँ पे सस्पेंस में रहेगा। और जब तक यहाँ पे इलेक्शन नवंबर दिसंबर, तो इसमें 2021 में तो वैकेंसी नहीं आएगी यदि इस बीच फंस गया तो। उससे पहले कुछ अपडेट आ गया, विज्ञप्ति आ गई तो सही, अन्यथा ये सारे वैकेंसियाँ 2021 में नहीं आएगी। बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो भी अपडेट होगा 2022 में ही आपको नई वैकेंसी टेक्निकल से अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ये बड़ी अपडेट है। हो सके तो जितना जल्द हो सके रिजल्ट डिक्लेयर करवाने का प्रयास करें, इससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू।